जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंट ईल्ड ईल्ड का ये दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने जाना था कि थियोरिटिकल ईल्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम लोग जान लेंगे परसेंट ईल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आइए शुरू करते हैं परसेंट टू इ थियोरटिकल ईल्ड बच्चों परसेंट ईल्ड जो होती है जिसको हम लोग प्रतिशतता उपज भी कहते हैं यह रेशियो होता है एक्चुअल ईल्ड और थियोरटिकल ईल्ड का और ये इसका फॉर्मूला होता है परसेंट इल्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ईल्ड डिवाइड बाय थियोरटिकल ईल्ड इनटू 100 बच्चों ध्यान रखिएगा किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर ईल्ड जो होती है वो दो तरह की होती है एक होती है हमारी एक्चुअल ईल्ड जबकि दूसरी होती है थ्योरिटिकल ईल्ड एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन ध्यान रखिएगा किसी केमिकल रिएक्शन को करने से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो जो अमाउंट होती है वो कहलाती है एक्चुअल ईल्ड थियोरटिकल ईल्ड इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेकिन बिना रिएक्शन किए पेपर के ऊपर बैलेंस इक्वेशन लिख के कैलकुलेशन करने से सिर्फ कैलकुलेशन करने से जो अमाउंट प्रोडक्ट की आपको मिलती है वो कहलाती है थ्योरटिकल इल्ड क्या ये आपको क्लियर है तो थ्योरटिकल ईल्ड तो कोई भी पेपर के ऊपर कैलकुलेशन करके निकाल सकता है लेकिन एक्चुअल ईल्ड निकालने के लिए रिएक्शन करना पड़ता है इतना फर्क काफी है ये समझने के लिए

प्रतिशतता उपज के द्वारा परसेंट ईल्ड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड वेरी रेयरली गोस टू हंड्रेड परसेंट ड्यू टू इनकम्प्लीशन ऑफ द रिएक्शन याद रखिएगा परसेंट ईल्ड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है नेगेटिव कभी नहीं होगी और ये बहुत मुश्किल से हंड्रेड परसेंट हो पाती है कारण ये है कि आमतौर पर रिएक्शन पूरी नहीं होती है और जब तक रिएक्शन पूरी नहीं होंगी एक्चुअल ईल्ड हंड्रेड परसेंट नहीं हो पाएंगी Low percent yield in a reaction results into waste of raw materials. मनी टाइम एटसेट्रा बच्चों जब आपकी रिएक्शन पूरी नहीं जाएगी प्रोडक्शन कम होगा माल कम बनेगा तो सोचिए आपका जो रिएजेंट है जो आपका रॉ मेटेरियल है वो तो वेस्ट हो गया ना जी वो तो किसी काम का नहीं है प्रोडक्ट आपको हाँ मिल नहीं रहा है कम मिल रहा है तो आपका रिएक्टेंट जा रहा है तो आपका रिएक्टेंट बच्चों लॉस होगा आपको आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे पैसे की कमी हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा फैक्ट्री के अंदर और वो रॉ मेटेरियल जब आप वेस्ट की फॉर्म में बाहर डालेंगे तो वो एनवायरमेंट रिस्क भी क्रिएट करेगा तो आइए बच्चों अब परसेंट इल्ड निकालने के रूल्स की बात करते हैं कुछ रूल्स हैं आप जानते भी होंगे नहीं जानते हैं, तो क्लियर कर लीजिए पहले रूल के अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है सेकेंड फाइंड गिवन मासज एंड मोलर मासज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बच्चों दूसरे नियम के अनुसार उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको गिवन अमाउंट नोट करनी है और वहां पर उनके मोलर मास कैलकुलेट कर लेने हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के थर्ड मेक रिलेशन बिट्वीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बायिंग स्टोईक्योमेट्री ऑफ द बैलेंस इक्वेशन थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग बच्चों आपको उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच रिलेशन बनाना है उस बैलेंस इक्वेशन के स्टोईक्योमेट्रिक कोफिसियंट को पकड़ के बताऊंगा ध्यान रखिएगा ज टू और मोर रिएक्टेंट्स देन मेक रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट बच्चों बड़े काम का पॉइंट है ध्यान रखिएगा कि अगर रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तब आपको चौकन्ना रहना है ध्यान लगाना है कि उनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी को आप यूज करेंगे प्रोडक्ट के साथ रिलेशन बनाने के लिए फाइन थियोरटिकल वैल्यू और फाइनली आपको ये सब करने के बाद थ्योरटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है बच्चों यहां पे हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल है तो आइए कर लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स 14 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इफ थियोर इल्ड इज नॉन टू बी 19 ग्राम देन फाइंड परसेंट इल्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया है इक्वेशन नहीं दिया है पहला रूल आप जानते हैं हम लोगों को क्या करना है हमको करना है जी इक्वेशन डेवलप इक्वेशन बनानी है और बैलेंस भी करनी है तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन हो गई जब हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ और सीओ गैस बच्चों ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो टेंशन मत लीजिएगा अब हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की थियोरटिकल ईल्ड दी हुई है वो कहता है कि इफ थियोरटिकल ईल्ड इज नॉन टू बी नाइनटीन ग्राम तो हमने नोट कर लिया है और बच्चों एक्चुअल इल्ड भी दे रखी कि जब डिकंपोज करते हैं तो 14 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और थियोरेटिकल अमाउंट बोले तो 19 ग्राम बनता है तो बच्चों देर किस बात की है दोनों इल्ड आपके पास है परसेंट इल्ड पूछ रहा है सबसे इजी क्वेश्चन दिया है आपको ये हमने परसेंट ईल्ड ऑफ एमजीओ बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो गया तैयार एक्चुअल ईल्ड ऑफ एमजीओ डिवाइड कर दीजिए थियोटिकल ईल्ड ऑफ एमजीओ से तो आपको मिल जाएगा परसेंट ईल्ड ऑफ एमजीओ आप देखिए यहां का वैल्यू हमने 14 ग्राम रखा फिर हमने 19 रखा 100 का मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारा 73.68 परसेंट बच्चों इस रिएक्शन के अंदर MGO की परसेंट इल्ड जो है वो 73.68 परसेंट होगी क्या ये क्लियर है आपको बच्चों दिक्कत इस बात की है कि सब पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस में किया है ऐसे क्वेश्चन चिरकुट क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते हैं एग्जाम में तो हिलेरियस क्वेश्चन आते हैं जो हमको हिला जाते हैं तो हिलना नहीं है हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं उस टफ कंडीशन के लिए उस टफ क्वेश्चन के लिए जो आपको हिला ना सके बल्कि आप हिला के आओ उसको तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है आपको मजा आएगा आइए देखते हैं कंबेशन ऑफ ऑफ जीरोन गिव देन फाइन परसेंट हिल्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों इक्वेशन नहीं दिया है लैंग्वेज दिया है तो रूल आप पहला जानते हैं हम लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन डेवलप करनी है रिएक्शन बनानी है और उस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस भी करना है तो बच्चों ये हमारी मिथेन गैस को हम लोग कंबस्ट करा रहे हैं जब किसी चीज को कंबस्ट कराते हैं तो उसका मतलब होता है जलाना तो मिथेन गैस को हम लोग जलाएंगे जलाने के लिए ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सी एच फोर प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू गैस प्लस वाटर लिक्विड तो मिथेन बच्चों हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन को आप जब भी जलाएंगे तो वहां पर हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आइए बैलेंस कर लेते हैं तो देखिए बच्चों ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्लियर है आपको चेक कर लीजिएगा अब आप यहां पे देखिए मैंने यहां पे मिथेन के नीचे R लिखा हुआ है CO2 के नीचे P लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है सर मिथेन गैस को कंबस्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो परसेंट इल्ड जो पूछ रहा है वो CO2 प्रोडक्ट की पूछ रहा है तो हम लोगों को यहां पे बनाना है रिलेशन CH4 सी एच फोर रिएक्टेंट और सीओ टू प्रोडक्ट के बीच अब आप यहां पे देखिए इस बैलेंस इक्वेशन में जो हमारा रिएक्टेंट सी है उसके कितने मोल है तो इक्वेशन के अंदर सर एक मोल एक को हम लिखते नहीं है तो यहां पे कोफिसियंट एक यूज करेंगे और प्रोडक्ट का भी यहां पर एक यूज करेंगे क्या क्लियर है आपको इसको पकड़ के रखिएगा छोड़िएगा नहीं रिलेशन जब बनाएंगे तो हमारे काम आएगा बच्चों जो आपके सामने गिवन दिखाया हुआ है सब क्वेश्चन से उठाया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है मिथेन का मास दिया हुआ है उसको हम लोग डब्ल्यू सी एच फोर्स दिखाते हैं तो मिथेन की जो अमाउंट दी थी मात्रा दी थी वो थी 0.375 पॉइंट उसको हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है 1000 से मल्टीप्लाई करके क्लियर है आपको और आप जानते हैं मिथेन का जो मोलर मास आणविक द्रव्यमान होता है उसको एम सी एच फोर्स दिखाते हैं वो सिक्सटीन ग्राम पर मोल होता है अब बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर CO2 का कितना मास दिया है कितना वेट दिया है तो WCO2 दिया है 0.98 kg इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम लोग MC02 से दिखाते हैं जो होता है 44 ग्राम पर मोल ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं मेक रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अब जो हम लोगों ने ऊपर आर और पी आपको दिखाया था अब वो रिलेशन बनाने का टाइम आ गया है आपने देखा था कि वहां पे एक मोल सी एच फोर का कम्बस्ट होके जलने के बाद एक मोल सीओ टू का देता है क्या क्लियर है आपको एक मोल सी एच फोर रिएक्टेंट एक मोल सीओ टू प्रोडक्ट देता है बच्चों आप जानते हैं कि एक मोल सी एच फोर का जो द्रव्यमान होता है आणविक द्रव्यमान वो सोलह ग्राम होता है तो मैंने मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है कोई दिक्कत तो नहीं है आपको तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक मोल की जगह सिक्सटीन ग्राम सी एच फोर गिवस 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम मीथेन का देता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन बच्चों क्वेश्चन अगर आपको याद हो वहां पे मीथेन की अमाउंट देती 0.375 पॉइंट उससे कितना CO2 बनेगा ये वो पूछ रहा था बच्चों उसी अमाउंट को हमने यहाँ पे ग्राम में ले लिया है कि इतने ग्राम मिथेन अगर आप लेंगे तो कितना सीओ मिलेगा कि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1031.25 ग्राम मिलेगा CO2 गैस का बच्चों और यही है आपकी और हमारी थियोरटिकल्ड तो हमने ऊपर कैलकुलेशन करके मिथेन गैस को जलाने से मिलने वाली CO2 गैस की थियोरटिकल ईल्ड निकाल ली है तो बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे थियोटिकल ईल्ड को बिना किसी रिएक्शन किए किसी बिना किसी केमिकल को हाथ लगाए पेपर पे सिर्फ गुणा भाग करके निकाल रहे हैं बात करते हैं परसेंट ईल्ड ऑफ सीओ टू तो बच्चों आप फॉर्मूला जानते हैं एक्चुअल ईल्ड ऑफ सीओ टू डिटिकल ईल्ड ऑफ सीओ टू इंटू वन हंड्रेड जीरो पॉइंट नाइन एट जी इंटू टेन का रेस्ट पावर थ्री ये हमारा आया था बच्चों एक्चुअल ये आया था हमारा थियोर ईल्ड और इसको सोल्व करके हमको मिल जाएगा नाइनटी फाइव पॉइंट जीरो थ्री परसेंट बच्चों चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन तो लगभग ये जो आपके हाथ में नाइन्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री परसेंट आया है ये ही कहलाएगी यहां पे परसेंट इल्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चों इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप परसेंट इल्ड निकाल सकते हैं इसको परसेंटेज इल्ड भी बोलते हैं कंफ्यूज मत परसेंट इल्ड बोलिए या फिर परसेंटेज बोलिए दोनों ही करेक्ट हैं दोनों तरीके से ही बोला जाता है तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज इल्ड निकालने के लिए आपके हाथ में दो ईल्ड का होना जरूरी है एक होती है एक्चुअल इल्ड और दूसरी होती है थ्योरटिकल ईल्ड क्वेश्चन के अंदर अक्सर वो थियोरटिकल इल्ड नहीं देता है एक्चुअल ईल्ड देता है तो वहां पे आपको थियोरटिकल ईल्ड कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद आपको मिल जाता है परसेंट ईल्ड होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा